स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम टू दंजरेक्स डिजाइन स्कूल इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य रहेगा टेक्सटाइल एंड डिजिटल रिगार्डिंग आपको तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि कोई भी ड्रेस का डिजाइन बनाना हो कोई भी टाइप का डिजाइनिंग का रेडी करना हो तो आपको कहीं पर डाउट्स हो कहीं पर प्रॉब्लम्स हो तो इस पर्टर चैनल से आपको सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो इस पूरा सेशन का जैसे आपको दिख रहा होगा इस पूरा वीडियो में टाइटल में भी दिखा होगा वीडियो शुरुआत में आपको दिख रहा है दामन का प्रिंट है जिस तरीके से दामन का प्रिंट रेडी कैसे जाते हो सकता है कोई लहंगे का दामन हो सकता है कोई सिंपल ऐसा अलग अलग टाइप का शेडेड बैकग्राउंड देखे दामन होते हैं नीचे स्कर्ट में हो सकता है कोई बॉर्डर वाला दामन हो टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दामन देना बनते हैं अब इस तरीके का दामन देना बनाने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं क्या माइंडसेट रहते हैं कौन कौन के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है एज डिजाइनर वो सारा चीज पूरा क्लास हम डिस्कशन करेंगे तो इसमें दामन में बहुत सारा प्रिंट आते हो सकते हैं फ्लावर बनाया जाता हो सकता है कोई एब्रेक्ट हो सकता है कोई एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है इस तरीके से कोई बारो काटवर्क का वराइटी टाइप का डिजाइनिंग का है बट अल्टीमेटली दामन में क्या चीज आपको ध्यान रखना है ताकि एक दामन का लुक अच्छा रहे बहुत सारा जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए बहुत डाउट होते हैं एंड ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में भी जो काम करते हैं उनके लिए भी डाउट होते हैं कि दामन देना हम बनाए कैसे आ, कैसे उसका मे बी बिकॉज दामन कर देना इट्स अ वेरी इजी थिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ओवर पैटर्न है यहाँ पे एक नीचे बॉर्डर या तो स्कर्ट जैसा रखा गया बट स्कर्ट एंड बॉर्डर में या तो ऑल ओवर पैटर्न में कैसे कॉम्बिनेशन प्रॉपर रखना जरूरी है ताकि पूरा दामन कट दानी लुक अच्छा लगे एक मार्केट में चलने जैसा हो तो वही सारा चीज इस पूरा क्लास में हम डिस्कशन करते हैं एंड एज यू नो दैट हमारा एक जो कोर्स करिकुलम पैकेजेस चलते हैं स्टूडेंट के का में उसको डिस्कशन करते हैं तो हम उसी कोर्स का एक पार्ट आपको यहाँ पे शेयर कराओ लाइव क्लास में एक स्टूडेंट का डाउट्स आया था दामन का उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में उनको दिया था कि कैसे दामन का डिजाइनिंग का बनाना होता है क्या साइकोलॉजी होता है क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है उसी का थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे मैं शेयर कर रहा करो सो दट आपको भी इसको सीखने को मिले आइडिया मिले एंड uh, अगर आप हमारा क्लास करिकुलम ज्वाइन कर जाता है यू आर द मोस्ट वेलकम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं बट तब तक के लिए इस पूरा सेशन को आप देखिए वहां से कुछ सीखने समझने की कोशिश करिए सो दैट आपको दामन प्रिंट का कोई भी डिजाइनर बनाना हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखना होता है वो चीज़ आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओ एंड आगे बढ़ पाओ ओके सो लेट्स जम्प टू आवर ट्यूटोरियल So, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताना चाहूंगा अगर इस पर्टिकुलर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा शुद्ध इस का कोई भी नया ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट मिलते रहे एंड हमारा चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा पूरा सेशन को अच्छे देखिएगा पूरा सेशन में मैंने बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया तो अगर आप बिगिनर है या तो पूरा डिजाइन फिल्म में जॉब कर रहे हैं बट आपको दामन डिजाइनिंग में कहीं पर प्रॉब्लम्स होते हैं तो इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ सीख सकते हैं कुछ आप आ, अपना डिजाइनिंग में इंप्रूमेंट ला सकते हैं इस पूरा हमारा लाइव क्लास का जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर यूट्यूब में अपडेट कर रहा हूँ जिसमें से आप कुछ सीख सकते हैं जैसे आपको उन्होंने बताया हमारा लाइव क्लास चलते हैं हमारा कोर्स करिकुलम्स है जिसमें हम स्ूडेंट को प्रॉपरली डाउट क्लियरिंग करते हैं एंड ऑल्सो हमारा कोर्स करिकुलम तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं तो और हमारा

कि आपको आइडिया मिले बट ऑबियसली उसमें डामन डिजाइन में सीखने जैसा कुछ नहीं होता सिंपल चीजें दो चार चीज आपको ध्यान देना पड़ता है तो आपका ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाते हैं देखिए सिंपली ये सब डामन का डिजाइन है ठीक अब ये सब डिजाइन जो है ना सुनना आपको दिख रहा होगा इसमें ये सब, सब डिजाइन हाँ ये सब डिजाइन देखें दामन का डिजाइन मतलब ये दामन डिजाइनिंग मतलब ये बेसिकली लहंगा में या तो जो, हैं। जो कि कुर्ती वगैरह में यूजेज होता है जो लहंगा चोरी में इस तरीके डिजाइन है अब इसमें क्या दामन डिजाइनिंग में इसमें अलग से कुछ नहीं है इसमें क्या हो रहा है सिंपल एक ऑल ओवर प्रिंट है अब उसी ऑल ओवर प्रिंट भी भी को हमने पे सेटअप किया किसी के डिजाइन में इस तरह से होते हैं किसी के डिजाइन में देखिए इस तरह से बॉर्डर यूज होते हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ है सिंपल एक ऑल ओवर पैटर्न है जो कि इकथ टाइप का एक मोटिव बनाया गया सीखना है और इसमें क्या हो रहा है नीचे एक इकथ टाइप का मोटिव रख के पूरा बनाएगा अब इसमें क्या है ना अलग से जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका ये जो मोटिव को क्रिएट करना वो आपको समझना पड़ेगा और बाकी दूसरा चीज इसका जो मेजरमेंट है मेजरमेंट में आपको जस्ट एक बेसिक चीज बता रहा इसमें क्या होता है मेनली जो इसका दामन का पोर्शन यहाँ पे छोटा दिख रहा है बिकॉज जेपीजी फाइल है दामन का पोर्सन मोटा मोटी आठ से दस इंच का एक दामन का पार्ट रहता है और बाकी ऊपर में मैक्सिमम टाइप में ऑल ओवर पैटर्न रहते हैं किसी में इस तरीके से ऑल ओवर पैटर्न रहते हैं किसी और भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता है फॉर एग्जाम्पल देखिए सर इसमें बड़ा भी चलेगा ना नीचे से पंद्रह इंच का मुझे बोला है हाँ, लेने को कई बार नीचे से बड़ा भी चलता है दस पंद्रह इंच का भी चलता है मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ जैसे ये ये मुझे तो, डिजाइन कहाँ पे मिलेगी आ, ये डिजाइनिंग आपको नहीं मिल पाएगा इसका मैं आपको फाइल अभी रिसेंटली शेयर किया था मैं आपको शेयर कर दूंगा ठीक है ना ओके सर इसका जेपीसी फाइल आपको शेयर कर दूंगा बिकॉज रिसेंटली एक कोर्स में नहीं दिखा हुआ है रिसेंटली हमने क्लाइंट के लिए उसके लिए बताया हुआ है अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है इस तरीके का जो डिजाइन हम बनाते हैं आ, वो डिजाइनिंग का जो मेन मोटिव को हमें क्रिएट करना पड़ता है अब वही मोटिव क्रिएशन का आपको प्रॉपरली पड़ेगा मोटिव क्रिएशन मतलब जैसे हो जाते कि उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग को बनाने के लिए जो जो मोटिव हमें यूज करना होता है वही मुझे वही मोटिव कहाँ से मिलेगा एक सेकंड एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ अब ये सब जो आपको उन्हें बता रहा हूं। ये स्कर्ट एंड दामन का डिजाइन ये सीजन हमारा का जो है, उसमें रखा हुआ है उस पर्टिकुलर कोर्स करिकुलम का का आपको आपको ये सारा चीजें डिजाइनिंग प्रोसेस दिखाया जाते हैं कि कैसे डिजाइनिंग को बनाना होता है किस तरीके से बनाना होता है किस टाइप का टाइप का डिजाइन होते हैं उसका पूरा जैसे किस तरीके का डिजाइन है इस तरीके का डिजाइन है इस तरीके का डिजाइनिंग सब मोस्टली फ्लावर टाइप का डिजाइन बहुत पहले हमने बनाया था इस कंसेप्ट कर देना चल रहा है इस अब इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए सिंपली आपको दो तीन चीजें करना होता है या तो आप डायरेक्टली मोटिव डाउनलोड करके बना सकते हैं आप डाउनलोड करके मतलब जैसे ये जो एक फ्लावर का बंच है उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपने पैच करना होता है नीचे बैकग्राउंड में हल्का सा टेक्सचर इफेक्ट देते हैं अब इसमें क्या होते हैं हम एक सिर्फ एक डिजाइनिंग में आपको बनाना नहीं सीखा उसमें क्या होता है आपको डिजाइनिंग का प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करना होता है प्रोसेस मतलब फॉर एक्जाम्पल हमें इस टाइप का डिजाइन डेवलप करना है कोई कस्टमर ने आपको फोटो दे दिया आपको क्या करना है सिंपली इसके जैसा आपको साइजिंग लेना पड़ेगा जो कि इसका साइजिंग आ जाते हैं फिफ्टी एट का साइजिंग होता है

अब उस उसमें लिए आपको क्या करना पड़ेगा जैसे जो भी अब आपको जैसे मान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट से कुछ इमेजेस फाइंड आउट करते उसके अकॉर्डिंग कुछ मोटिव हम रेडी करते जैसे एक ऑल ओवर पैटर्न हो गया नीचे हमने इकट टाइप का कुछ बॉर्डर वगैरह डाउनलोड किया उसके अकॉर्डिंग हमने बॉर्डर डेवलप किया फिर उसके बाद हमने नीचे का पूरा मोटिव डेवलप करके दस से बारह इंच या तो पंद्रह इंच का फिर रेडी किया ओके okay, सर अब अब देखिए ये ये भी एक अब ये भी एक डिजाइन हमने क्या किया था इंटरनेट से एक मोटिव डाउनलोड किया था इस तरीके का फिर ये सब पूरा oh. डिजाइन ड्रॉ करके बनाया गया ये पूरा oh. सब ड्रॉ करके बनाया गया बिकॉज इसमें जो oh. क्लाइंट है वो थोड़ा सा एकदम परफेक्शन का काम चाहता है इसलिए हमने पूरा डिजाइन को ड्रॉ करना पड़ता तो हमने इसको इमेजेस एक डाउनलोड किया उसके अकॉर्डिंग मोटिव को रेडी किया रेडी करना मतलब जैसे इसको पेन टूल से प्रॉपरली ड्रॉ करके क्रिएट करना देन उसके बाद हमने प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन किया फिर ऊपर में ऑल ओवर एक प्रिंट आ गया नीचे दामन का पोर्शन Okay. ठीक है ना इसमें अलग से कुछ आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है दामन मतलब नीचे अलग से कुछ पोर्शन बॉर्डर रहेगा और बाकी का ऊपर का पोर्शन में कुछ अलग चीज रहेगा अब अलग अलग चीज जो आता है ना वो होता है अलग अलग मोटिव मोटिव रेडी करने के लिए हम इनिशियली लेवल में आपको मैं हाईली रिकमेंडे करूंगा कि आपको इनिशियल लेवल में अलग से कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है मुझे कि क्रिएशन करना है कैसा मोटिव लेना है सिंपल आप ऑनलाइन सर्च करिए जैसे आपको मैंने हाँ पे एग्जाम्पल देखा दो मोटिफ, का, देन फ्लोरल का देन आपको हो सकता है कुछ टाइप पर देखे या तो कुछ भी हो सकता है नीचे आपने कोई पटोरा दे दिया पटोरा टाइप का कुछ मोटिव हो सकता है नीचे कोई बांधने का चुनरी इफेक्ट डाल दिया अब ये जो चुनरी इफेक्ट है ये जो इक इफेक्ट है ये जो पटोला इफेक्ट है ये जो का प्रिंट है उसका मोटिव बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि मोटिव बनते कैसे अब देन उसके बाद क्या करना है उस मोटिव को रेडी करके आपको प्रॉपरली सेटअप करना पड़ता है जो आपने कैनवास साइज लिया कैनवास साइज मान लो हो सकता है आपने बारह इंच का हमने दामन रखा बाकी का में हाल। अब उसमें दो चीज और भी इंपॉर्टेंट होता है एक होता है उसका कलर कॉम्बिनेशन की मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं नीचे का पोर्शन में थोड़ा सा डार्क कलर रखते हैं ऊपर में थोड़ा सा लाइट कलर रखते हैं ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना होता है सर मुझे ऊपर का तो पता चल रहा है पर नीचे का जो बॉर्डर होती है ना वही नहीं फिट मुझे हाँ वो हाँ। इसे, उसके लिए देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ इसके लिए क्या होता है ना आप पहले सोचेंगे कि मुझे क्रिएशन कुछ करना है कुछ नया बर, अब नया बनाने जाते हैं ना उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है दिमाग इसलिए मैं आपको फर्स्टली हाईली करिए इस जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जैसे एक, एक इसका मैं आपको फाइल आपको जेपीजी फाइल शेयर कर दूंगा ठीक है ना टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी शेयर कर देता हूँ इसमें क्या होता है ना इस फाइल से आप इंस्पिरेशन लीजिए कि इसमें कैसे बनाया गया फॉर देखिए पे एक सिंपल ऑल ओवर पैटर्न इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रहना है ये क्या है सिंपल एक ऑल ओवर है अब इस तरीके से जरूरी ऐसे नहीं कि आपको ये सेम बनाना है आप इस तरीके से सिमिलर कोई मोटिव इंटरनेट से देखिए उसको आप ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं ड्रॉ करिए या तो आप क्या करिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑनलाइन किया मैं सबको गूगल में ले जाकर दिखा देता हूँ मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई आपको सिंपल प्रिंट रेडी करना है हम लोग क्या करते हैं जैसे हमें डिजाइनर बनाना होता है हमें कोई जियोमेट्रिकल मोटिव बनाना जियो। 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 जियोमेट्रिकल पैटर्न ठीक है सिंपल देखिए जियोमेट्रिकल पैटर्न लिखे हमने सर्च किया जियोमेट्रिकल पैटर्न ज्योमेट्रिकल मोटिव अब देखिए मान ली हो सकते ये वाला एक प्रिंट जो कि मुझे एक अच्छा लग रहा है ये प्रिंट हमने ऊपर में डाल दिया सिंपल ये हमने ऊपर डाल दिया अब इसके साथ रिलेटेड में हम किस तरीके से पैटर्न जा सकते हैं हो सकता है इस तरीके से पैटर्न जाए हो सकता है इस तरीके से पैटर्न जाए ठीक है ना अब हो सकता है कुछ इस टाइप का पैटर्न चला जाए इस टाइप okay. का पैटर्न ये पैटर्न क्या है हम यहाँ पे रख सकते हैं जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये पैटर्न जो है ना हम यहाँ पे रख सकते हैं ठीक है ना तो पैटर्न को हमने यहाँ पे पैच कर दिया अब उसके बाद ऊपर में हमने दूसरा एक ऑल्वर डाल दिया ऑलवेज ध्यान दीजिएगा जो नीचे का जो दामन पोर्शन है वो थोड़ा होगा नीचे का ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हल्का होगा हल्का मतलब इसका मोटिव थोड़ा छोटा होगा इसका मोटिव थोड़ा सा बड़ा होगा इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा होगा इसका कलर थोड़ा सा लाइट दैट्स इट ठीक है ना अब इस तरीके से आप क्या करिए दो चार मोटिव को लेके करने की कोशिश करिए अब इसमें पहले इनिशियल लेवल में आप अगर लग रहा है कि ड्रॉ करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा जस्ट इन से डाउनलोड करिए कलर को चेंज करके आप जस्ट एक बार सेटअप करने की कोशिश करिए कि आप सही बना पा रहे कि नहीं अब मान लीजिए जैसे की एक ऊपर का पोर्शन में बहुत एक हल्का लुक अच्छा लग सकता है सर मैंने बनाया है मैं आपको भेजती हूँ आप आप, आप, अभी भेजिए मैं अभी आपको देख के बताता हूँ एक मिनट में भेजती हूँ आपको ये तो मैंने अपने आप से डिजाइन करके बनाया है ओके ओके ठीक है यहाँ पे आपने कुछ डिजाइन दिया दे। अब देखिए इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे लग रहा है ये जो डिजाइन आपने बनाया हुआ है ना इस डिजाइन में सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है

आपको आपको बैठने को नहीं। जैसे जैसे अभी आपको जो भी मैंने example share किया देखिए। ये वाला motive, इसमें क्या है कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बैठा हुआ मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन जैसे इसके ये जो ब्लू कलर ये देखिए ब्लू कलर यहाँ पे कहीं कहीं रखा हुआ है ये जो वो कहीं कहीं रखा हुआ है और येलो के साथ ग्रीन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसलिए अब येलो का कुछ पोर्शन यहाँ पे भी रखा हुआ है ये जब पिछका लड़ा देखिए पिस्ता का लड़का इसका कुछ कुछ पोर्स यहाँ पे रखा हुआ है रेड के साथ पिस्ता एक अच्छा लुक बनता है ये थोड़ा हल्का हल्का रखा मतलब पन है इसमें थोड़ा सा भरा हुआ है ऐसे जितना भी आप डिजाइन देखेंगे ना इस तरीके का ये देखिए ऑल ओवर प्रिंट है ऊपर छोटा छोटा रखा हुआ है कुछ अलग रखा हुआ है इसके साथ एक सॉलिडिटी रखा मेंटेन रखा गया सर वही दिमाग में नहीं फिट बैठ रहा है नीचे क्या क्या ऊपर देखिए अब वो चीज आपको एक दिन में नहीं आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आएगा

इस पर्टिकुलर मोटिव का जो कलर है फॉर एग्जाम्पल देखिए ब्लैक कलर आप अगर यहाँ पे ब्लैक कलर डालते ये जो रेड कलर आप आप पे 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 कहीं यूज यूज करते करते ये ये जो 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 पिस्ता कलर तो इसका लुक बाहर आ जाता फॉर okay. जो जो है ना वो मोटिफ का कलर आपने ब्लैक कलर कर दिया जो मेजर दिख रहा है ठीक है ना इसका जो लाइट जो कलर दिख रहा है व्हाइट कलर वो व्हाइट कलर को आपने इसके साथ क्रीम के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया ये जो ग्रीन कलर है उस ग्रीन कलर को आपने यहाँ पे जो फिरोजी कलर दिखे उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया सेम सेम तो क्या होगा इसके पार्ट ए लगेगा कि इसी का ये पार्ट है पॉइंट आपको समझ में हाँ। अब उसके हिसाब से ट्राई करेगा नेक्स्ट टाइम आपका इससे काफी बेटर बनेगा सर आप जेपीजी मुझे भेजिए मैं चेक हाँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी इसका शेयर कर दूँ जितना भी जेपीजी है थैंक यू सर